हेलो दोस्तों, वेलकम बैक न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि जीमेल आईडी को डिलीट कैसे करें। जैसे कि आपके मोबाइल में ज़्यादा जीमेल आईडी हो गई हैं और आप अपने मोबाइल में से जीमेल आईडी को डिलीट करना चाहते हो, तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हो। बस आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक बार पूरा कम्प्लीट देखना। इसमें मैं आपको सब कुछ लाइव दिखाऊंगा कि आप अपनी जीमेल आईडी को किस प्रकार से डिलीट करोगे। ठीक है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाना है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल में जीमेल एप्लीकेशन को ढूंढ लेना है, क्योंकि आपकी जीमेल आईडी इसी के अंदर लॉग इन होगी, जहाँ से कि आप उसे डिलीट कर सकते हो। तो आपको जीमेल को ढूंढ लेना है। उसके बाद आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने अपने मोबाइल में जीमेल एप्लीकेशन ओपन कर लिया है और अपने होम पेज पर आ चुका हूं। अब आपको क्या करना है, देखो आपको ऊपर की साइड में प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई देगा। प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है, सिंपल वे आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करोगे, अब आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। देखो आपके मोबाइल में जितनी सारी जीमेल आईडी होंगी वो सारी आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। देख सकते हैं मेरे मोबाइल में इतनी जीमेल आईडी है जो कि यहाँ पर आ रही हैं। अब आपको क्या करना है, देखो मेरी बात को ध्यान समझना। अब जिस भी जीमेल आईडी को डिलीट करना चाहते हो, उस जीमेल आईडी को फर्स्ट में ओपन कर लेना, यहाँ पर नीचे ओपन नहीं करना। अब जिसको डिलीट करना चाहते हो परमानेंटली, उस जीमेल आईडी को फर्स्ट में ओपन करोगे। जैसे कि मेरी जीमेल आईडी ये वाली है, तो मैं परमानेंटली डिलीट करना चाहता हूँ, जो कि मैं फर्स्ट में ओपन कर लिया हूँ। इस प्रकार से आपको कर लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा गूगल अकाउंट का। ये ऑप्शन आ रहा है गूगल अकाउंट, सिंपल वे आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करें, गूगल अकाउंट आपका गूगल अकाउंट ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे लोडिंग लेगा, तो आपको वेट कर लेना। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा गूगल अकाउंट ओपन हो चुका है, यहाँ पर मेरी जीमेल आईडी आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, मेरी बात को ध्यान समझना। बहुत सारे लोग यहीं पर गलतियां करते हैं, वो आपको नहीं करनी है। आपका गूगल अकाउंट ओपन हो गया, अब यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे टूल्स आएंगे। जैसे यहाँ पे होम लिखा हुआ है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डाटा प्राइवेसी ऑप्शन आ रहे हैं, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। डाटा प्राइवेसी आपको तीसरे नंबर का ऑप्शन दिखाई देगा, डाटा प्राइवेसी, सिंपल वे आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अब ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा, मेरा इंटरनेट स्लो है। आपके में इस तरीके का इंटरफेस आएगा, देख सकते हैं यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर क्लिक नहीं करना है। बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको यहाँ पर किसी पर क्लिक नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको केवल स्क्रॉल करना है ऊपर के साइड में। आप इसको स्क्रॉल करोगे, जैसे कि मैंने इसको स्क्रॉल कर दिया, आपको सबसे लास्ट में जाना है। जैसे आप सबसे लास्ट में जाओगे, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, डिलीट योर गूगल अकाउंट। ये ऑप्शन आ रहा है, इसकी मदद से आप अपनी जीमेल आईडी को परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर गूगल अकाउंट क्यों आ रहा है, और गूगल की सर्विस होती है जीमेल, इसलिए यहाँ पर गूगल अकाउंट शो होगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपकी जीमेल आईडी डिलीट हो जाएगी। आपको क्या करना है, सिंपल भी आपको इस पर क्लिक करना है, डिलीट योर गूगल अकाउंट, ये ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस है। अब आपके सामने ये इंटरफेस आएगा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है यूज योर पास की टू कंफर्म रियली यू, यानी गूगल कंफर्म करे कि आप अपनी जीमेल आईडी खुद डिलीट कर रहे हो या फिर कोई और पर्सन आपकी जीमेल आईडी डिलीट कर रहा है। कैसे कंफर्म करेगा, यहाँ पर आपका स्क्रीन लॉक मांगा है, जो कि आपकी स्क्रीन पर लॉक लगा हुआ है, वो आपको लॉक मांगा है, तो आपको लॉक डाल देना है। उस कैसे डालोगे, आपको सिंपल पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अभी लॉक मांगे, जैसे मेरा फिंगर लगा हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं फिंगर मांग रहा है, तो मैंने यहाँ पे अपना फिंगर प्रिंट लगा दिया था, मैंने फिंगर प्रिंट को स्कैन कर दिया। उसके बाद एक कंफर्म कर लिया कि आप अपने खुद से डिलीट करो या फिर कोई और पर्सन डिलीट कर रहा है, तो सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर डायरेक्टली ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डिलीट योर गूगल अकाउंट, ये ऑप्शन आ गया, यानी आप लास्ट सेक्शन में आ चुके हो, जहाँ से कि आप अपनी जीमेल आईडी को डिलीट करोगे। अब आपको क्या करना है, आप इसको ऊपर की साइड में स्क्रॉल करोगे, जैसे कि मैंने इसको स्क्रॉल कर दिया। अब देखो यहाँ पे साफ साफ कंफर्म करें कि इस जीमेल आईडी पर आपके अगर कोई जितने सारे मेल्स हैं, सारे मेल्स डिलीट हो जाएंगे, जो भी आपके कॉन्टैक्ट हैं, फोटो हैं, वीडियोस हैं, इतनी सारी चीज़ें आपकी इस वाली जीमेल आईडी पर हैं, वो सारी चीज़ें आपकी परमानेंटली आपका डेटा डिलीट हो जाएगा। तो आपको सोच समझ कर अपनी जीमेल आईडी को डिलीट करना है। अब आपको क्या करना है, जैसे मुझे तो ये डिलीट करना ही है, तो आपको क्या करना है, अब आपको दो बॉक्स मिलेंगे, दोनों बॉक्स को आपको टिक कर देना, जो कि जरूरी है। जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया, इस पर क्लिक कर दिया, अब आप देख सकते हैं मैंने दोनों बॉक्स को टिक कर दिया है। इस प्रकार से आपको कर देना है। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा डिलीट अकाउंट, ये ऑप्शन आ रहा है, सिंपल वे आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आपकी जीमेल आईडी डिलीट हो जाएगी। जैसे मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ, मैंने इस पर क्लिक कर दिया डिलीट अकाउंट। जैसे आप इस पर क्लिक करो, अब आपको वेट कर लेना, बस आपको कुछ नहीं करना, ना आपको बैक करना है, ना आपको कुछ करना है, ये आपको डायरेक्टली रिडायरेक्ट कर देगा डिलीट वाले पेज पर। देख सकते हैं यहाँ पर लोडिंग चल रही है, आपको कुछ नहीं करना। अब आप देख सकते हैं मेरी जीमेल आईडी परमानेंटली डिलीट हो चुकी है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, योर गूगल अकाउंट इट्स ऑल डाटा हैज बीन डिलीटेड। सो दोस्तों, मेरी जीमेल आईडी परमानेंटली डिलीट हो चुकी है। इस प्रकार से आप भी अपनी जीमेल आईडी को डिलीट कर सकती हो, जैसे कि मैंने आपको लाइव करके दिखाया है। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो यार इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।